हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। यूपी के चार और जिलों में गोंड सहित 6 जातियों को और मिलेगा एसटी प्रमाण पत्र। विधेयक में संशोधन, अप्रैल से बदल जाएंगे आयकर से जुड़े यह 7 नियम। नए वित्त वर्ष के साथ नए नियमों के लिए भी रहे तैयार मंत्री, ये देंगे कैबिनेट में प्रस्तुति। योगी के स्पष्ट संकेत, विभाग के लिए मंत्री ही होंगे जवाबदेह। राज्यपाल संघ मंत्री सचिव कुलपति करेंगे शिक्षा की सुधार पर मंथन। शिक्षा मित्रों और शिक्षकों ने किया FLN प्रशिक्षण का बहिष्कार, जाने क्या है मामला। छोटे भाई की जगह परीक्षा देते पकड़ा गया किशोर, उत्तर पुस्तिका को किया गया सील। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यह यूट्यूब चैनल पर। अप्रैल से बदल जाएंगे आयकर से जुड़े यह 7 नियम। 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो जाएगा। बजट में टैक्स नियमों में बदलाव की वजह से आपके निवेश पर भी इसका असर होगा। इसमें क्रिप्टो करेंसी से लेकर PF योगदान पर लगने वाले टैक्स भी शामिल हैं। टैक्स आपके निवेश से जुड़े ऐसे 7 बदलावों पर पेश है। आइए देखते हैं दोस्तों क्या है रिपोर्ट। देश में क्रिप्टो पर कर व्यवस्था 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में धीरे धीरे लागू होगी। इससे होने वाला कमाई पर 30% टैक्स का नियम वित्तीय वर्ष की शुरुआत में प्रभावी हो जाएगा, जबकि 1% TDS से संबंधित प्रावधान 1 जुलाई से लागू होगा। बजट में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आयकर लगाने के संबंध में स्पष्टता लाई गई है। TDS की सीमा निर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए प्रतिवर्ष ₹50,000 होगी, जिसमें ऐसे व्यक्ति HUF शामिल हैं जिन्हें आयकर अधिनियम के तहत अपने खातों का ऑडिट कराना आवश्यक है। नुकसान की भरपाई का विकल्प नहीं, क्रिप्टो में निवेश पर हुए नुकसान की भरपाई का विकल्प नहीं दिया गया है। यदि एक क्रिप्टो में आपको फायदा होता है और दूसरे में आपको नुकसान होता है तो शेयरों की तरह इसमें आपको भरपाई का लाभ नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप बिटकॉइन पर 1,000 का लाभ कमाते हैं और इथेरियम पर 700 का नुकसान उठाते हैं तो आपको 1,000 पर कर देना होगा, ना कि 300 के अपने शुद्ध लाभ पर। शेयर, म्यूचुअल फंड या रियल एस्टेट में नुकसान की भरपाई का लाभ क्रिप्टो पर नहीं उठा सकते। अपडेटेड ITR नया प्रावधान करदाताओं को आयकर रिटर्न में की गई त्रुटियां और गलतियों के लिए एक अद्यतन रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है। करदाता निर्धारण वर्ष के अंत में 2 साल के भीतर एक अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। NPS में ज़्यादा छूट, राज्य सरकार के कर्मचारी अब नियोक्ता द्वारा अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 14% तक NPS योगदान के लिए धारा 80CC(2) के तहत कटौती का दावा कर सकेंगे। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कटौती के अनुरूप है। इलाज खर्च पर राहत, उन व्यक्तियों को कर छूट प्रदान की गई है जिन्हें कोविड चिकित्सा उपचार के लिए धन प्राप्त हुआ है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर परिवार के सदस्यों द्वारा प्राप्त 10 लाख रुपये तक की राशि पर टैक्स छूट होगी। PF खाते पर टैक्स, CBDT ने 1 अप्रैल से आयकर नियम 2021 को लागू करने का फैसला किया है। EPF के सालाना 2.50 लाख रुपये तक के निवेश पर ही टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं। इससे अधिक निवेश पर उसकी ब्याज आय पर टैक्स लगेगा। अभिभावक को टैक्स छूट, आयकर नियमों में एक बड़ा बदलाव दिव्यांग व्यक्ति के माता पिता को दिए जाने वाले टैक्स छूट से लेकर है। दिव्यांग के माता पिता या अभिभावक ऐसे व्यक्ति के लिए बीमा पॉलिसी पर टैक्स छूट का फायदा ले सकते हैं। नए वित्त वर्ष के नए नियमों के लिए भी रहे तैयार। 1 अप्रैल से वित्त वर्ष 2022-23 की शुरुआत हो जाएगी। हर साल की तरह इस साल भी नए वित्त वर्ष के साथ कुछ नए नियम आपकी जेब पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से असर डालने के लिए तैयार हैं। कुछ बदलाव आमजन को प्रभावित करेंगे तो कुछ नियमों को कारोबारियों और सीधा असर दिखेगा। इन्हें जानकर कुछ अनावश्यक परेशानियों से बचा जा सकता है। इन पर एक नज़र, कुछ बैंक बदल रहे हैं नियम। एक्सिस बैंक बचत खाते के लिए मिनिमम बैलेंस को 10,000 से बढ़ाकर 12,000 कर रहा है। साथ ही निःशुल्क निकासी की सीमा 4 बार या 1.5 लाख रुपये कर दी जाएगी। दूसरी ओर PNB पॉजिटिव से सिस्टम शुरू करेगा। इसके तहत 10 लाख या इससे अधिक की राशि के चेक के लिए सत्यापन अनिवार्य होगा। डिजिटल होगा म्यूचुअल फंड निवेश। म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए चेक, बैंक ड्राफ्ट या अन्य भौतिक माध्यम से लेन देन नहीं किया जा सकेगा। 1 अप्रैल से म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए UPI या नेट बैंकिंग से ही भुगतान हो सकेगा। अब जुर्माने के साथ होगा पैन आधार लिंक। पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है। इनकम टैक्स कानून 1961 के मुताबिक पैन को आधार से लिंक नहीं कराने पर पैन निरस्त हो जाएगा। फिलहाल थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने लोगों को 1 अप्रैल से जुर्माने के साथ पैन और आधार लिंक कराने का विकल्प दिया है। 30 जून तक जुर्माने की राशि ₹500 और उसके बाद ₹1,000 हो जाएगी।
31 मार्च 2023 तक भी पैन आधार लिंक नहीं कराने पर पैन निरस्त हो जाएगा। क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स बजट घोषणा के साथ 1 अप्रैल से सभी वर्चुअल डिजिटल असेट या क्रिप्टो असेट पर 30% टैक्स लगेगा। क्रिप्टो करेंसी या ऐसे किसी लेन देन से हुए फायदे पर यह टैक्स देना होगा। साथ ही क्रिप्टो असेट बेचने पर 1% TDS कटेगा। लेन देन में नुकसान की जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी। डाकघर बचत योजना डाकघर की बचत योजनाओं पर मिलने वाले ब्याज को अब तक नगद में लेने की सुविधा थी, 1 अप्रैल से ऐसा नहीं हो सकेगा। ब्याज सीधे खाते में जाएगा, इसके लिए डाकघर में बचत खाता या बैंक खाता अनिवार्य होगा। ITC के नियम भी बदलेंगे। कई बार कारोबारी GST में पंजीकृत होता है और 6 महीने या साल भर में अपने पंजीयन को सरेंडर कर देता है या कुछ हेराफेरी करके गायब हो जाता है। नए पंजीकृत कारोबारियों की विश्वसनीयता को पहले परखा जाएगा। इससे नए पंजीयन वाले कारोबारियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC मिलने में कुछ देरी हो सकती है। साथ ही अगर कोई कारोबारी रिटर्न भरने में डिफॉल्ट घोषित हो जाता है या त्रैमासिक और मासिक रिटर्न भरने में लगातार देरी करता है तो उससे माल खरीदने वाले कारोबारी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। GSTR 3B में टैक्स की राशि GSTR 1 की राशि के समान नहीं होने पर ITC को रोका जा सकता है। E-invoice की व्यवस्था होगी अनिवार्य। 1 अप्रैल से 20 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉइस अनिवार्य हो जाएगा। अभी 50 करोड़ से अधिक के टर्नओवर के लिए नियम है। नियम उन कारोबारियों पर भी लागू होगा जिनका टर्नओवर फिलहाल 20 करोड़ नहीं है लेकिन वो 2-3 साल पहले किसी वित्त वर्ष में 20 करोड़ रहा है। बढ़ेगी सहूलियत। अगर किसी कारोबारी ने एक पैन से ही कई राज्यों में GST नंबर ले रखा है और नए वित्त वर्ष में वह एक राज्य के खाते से दूसरे राज्य में राशि ट्रांसफर कर सकेगा, पहले यह सहूलियत नहीं थी। इससे कारोबारियों का काम आसान होगा। UP के 4 और जिलों में गोंड सहित 6 जातियों को और मिलेगा ST प्रमाण पत्र। विधेयक में संशोधन। लखनऊ उत्तर प्रदेश के 4 और जिलों में गोंड और उसके पर्याय वाली 5 जातियां धूरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को शीघ्र ही अनुसूचित जनजाति ST का प्रमाण पत्र मिलने लगेगा। यह जिले चंदौली, भदोही, संत कबीर नगर और कुशीनगर है। इसका संबंधित बिल सोमवार को ही लोकसभा में पेश हो चुका है। इससे करीब 5 लाख लोग लाभान्वित होंगे। दरअसल SC ST संशोधन अधिनियम 2002 के तहत उत्तर प्रदेश में गोंड, धूरिया, नायक, ओझा, पठारी और राजगोंड को 13 जिलों में ST का दर्जा प्राप्त है। इन जिलों में महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र शामिल हैं। शेष 62 जिलों में गोंड जाति अनुसूचित जाति SC में दर्ज हैं। अलग अलग समय पर इन 13 जिलों में 4 अलग अलग जिले चंदौली, भदोही, संत कबीर नगर और कुशीनगर बनाए गए हैं। इन 4 जिलों में भी गोंड सहित 6 जातियां अनुसूचित जाति में दर्ज थी। इसका इन जिलों के लोग लंबे समय से विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि मूल जिले में तो उन्हें ST का दर्जा मिलता था जबकि नए बने जिलों में SC का प्रमाण पत्र मिल रहा है। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान ने वर्ष 2013 में इस मांग को जायज ठहराते हुए अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को भेजी थी। प्रदेश सरकार के माध्यम से यह रिपोर्ट केंद्र भेज दी गई थी। पिछले साल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर रिमाइंडर भेजा, इसी के बाद इसे लोकसभा में पेश कर दिया गया। मंत्री ये देंगे कैबिनेट में प्रस्तुति, योगी के इस पर संकेत, विभाग के लिए मंत्री होंगे जवाबदेह। लखनऊ रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सूत्र पहले ही अंगीकार कर चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अपने दूसरे कार्यकाल की नई सरकार के लिए फार्मूला बनाते नजर आ रहे हैं। कामकाज में मंत्रियों के न सिर्फ सक्रियता रहे बल्कि यह विभाग के प्रदर्शन के प्रति जवाबदेही भी बने, इससे स्पष्ट संकेत दे दिए हैं। योगी ने कहा कि कैबिनेट के सामने प्रस्तुतिकरण मंत्रियों को ही करना होगा। अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव सिर्फ सहयोग के लिए उपस्थित रहेंगे। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लोकभवन में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा, किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समस्याओं के निस्तारण की जवाबदेही भी तय की जाए। अफसर और मंत्रियों दोनों के लिए निर्देश दिए गए। कैबिनेट के समक्ष विभागीय प्रस्तुतियां संबंधित मंत्री द्वारा की जाएंगी। दरअसल कई मंत्री अब तक पूरी तरह अधिकारियों पर आश्रित रहे हैं। कैबिनेट में चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव जाने पर मंत्री उसे समझा नहीं पाते थे, तब अधिकारी सब समझाते थे। जिस तरह से मंत्रिपरिषद का गठन किया गया उसे इशारा मिल चुका है कि सरकार मंत्रियों के काम का आकलन भी करना चाहती है। जब प्रस्तावों से वह सीधे जुड़े होंगे तब उनकी जवाबदेही बनेगी और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरशाही पर भी कुछ नियंत्रण रहेगा। योगी ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष अधीनस्थ कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। कार्यालयों में स्वच्छता निस्तारित होने के लिए लंबित फाइल की स्थिति, जन शिकायतों के निस्तारण की स्थिति, कार्मिकों की उपस्थिति, समयबद्धता आदि की वस्तुस्थिति का परीक्षण किया जाए। योगी सरकार ने दूसरी पारी की शुरुआत शिक्षा और शिक्षण संस्थानों और बेहतर बनाने के लिए फैसले किए हैं। शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद व अधिकारी AKTU में 2 दिन तक मंथन करेंगे। कार्यक्रम 4 और 5 अप्रैल को प्रस्तावित है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में इस मंथन का केंद्र राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAC के सभी 7 बिंदु रहेंगे। बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा के उन्नयन और बेहतरी पर विद्वान चर्चा करेंगे। इसके लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय को चुना गया है। इस आयोजन को लेकर किसी स्तर पर आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। अधिकारियों के अनुसार शिक्षण संस्थानों को और अधिक स्वस्थ माहौल देने के उद्देश्य
अब तक का सबसे बड़ा प्रयास है। मंथन में शिक्षाविदों के सुझावों से शिक्षा को नया आयाम मिलने का रास्ता साफ होगा। मंत्री, प्रमुख सचिव और सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति होंगे शामिल। दो दिवसीय इस कार्यक्रम में शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हर दिग्गज को बुलाया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। साथ ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़े मंत्री, प्रदेश के सभी 38 विश्वविद्यालयों के कुलपति व वरिष्ठ प्रोफेसर व विभागों के प्रमुख सचिव शामिल होंगे। नैक के 7 बिंदु, पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, शिक्षण सीखना और मूल्यांकन, अनुसंधान और नवाचार, विस्तार बुनियादी ढांचा और सीखने के संसाधन, छात्र सहायता और प्रगति शासन, नेतृत्व और प्रबंधन, संस्थागत मूल और सर्वोत्तम प्रथाएं, भूख प्यासी परेशान होकर प्रशिक्षणार्थियों ने दोपहर बाद की शिकायत, टाउनशिप ब्लॉक मथुरा के शिक्षा मित्रों एवं शिक्षकों को एफएलएन बुनियादी साक्षरता व संख्या ज्ञान पर आधारित बैच में 4 दिवसीय प्रशिक्षण बीवीआर इंटरनेशनल स्कूल कोयला अलीपुर में दिया जा रहा है। सोमवार को सभी शिक्षा मित्र प्रशिक्षणार्थी तय समय पर प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचे, लेकिन प्रशिक्षण स्थल पर प्रशिक्षण से संबंधित कोई व्यवस्था नहीं थी। इससे शिक्षा मित्र नाराज हो गए और उन्होंने प्रशिक्षण का बहिष्कार कर दिया। सुबह के समय जैसे तैसे प्रशिक्षण शुरू तो हो गया, लेकिन दोपहर तक प्रशिक्षण स्थल पर पीने का पानी भी नहीं मिला। इसे लेकर उनमें आक्रोश फैल गया। इससे संबंध में वह प्रशिक्षण दे रहे एआरपीओ से शिकायत की तो उन्होंने कहा कि हमें तो सिर्फ प्रशिक्षण देना है, बाकी आप अन्य समस्याओं के लिए बीईओ से बात करें। 2 बजे तक भी किसी ने पानी और खाने को कोई व्यवस्था नहीं की और भूख प्यास से जब प्रशिक्षणार्थी शिक्षा मित्र तड़पते दिखे तो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के जिलाध्यक्ष के एम सिंह चौधरी ने खंड शिक्षा अधिकारी से भी उच्च अधिकारियों डायरेक्ट प्राचार्य बीएसए को फोन से अवगत कराया। बीईओ ने फोन भी नहीं उठाया। इस पर शिक्षा मित्रों में आक्रोश फैल गया और सभी मौजूद शिक्षा मित्र प्रशिक्षण का बहिष्कार कर डायरेक्ट प्राचार्य से मिलने डायरेक्ट पहुंचे, लेकिन प्राचार्य नहीं मिले। फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने बीएसए शिकायत करने के बोल दिया। समस्या का कोई समाधान न होता देख सभी शिक्षा मित्र जिला विशेष शिक्षा अधिकारी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे, वहां समस्याओं से अवगत कराया। इस पर विशेष शिक्षा अधिकारी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। बहिष्कार करने वालों में योगेंद्र सिंह ब्लॉक अध्यक्ष मथुरा, धीरज चौधरी, रामचरण, हरभजन, पोहब सिंह, मीना, अंजना, मनीष कुमार आदि शामिल थे। यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की चित्रकला की परीक्षा में शामिल होने जा रहा था। उत्तर पुस्तिकाओं किया गया सील। हसनपुर अमरोहा नगर के लाला सतप्रकाश लक्ष्मी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सोमवार को यूपी बोर्ड कक्षा 10 की परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी का बड़ा भाई पहुंच गया। विद्यालय के सचल दल ने उसे चेकिंग के दौरान पकड़ लिया। सचल दल ने पुलिस को सौंप दिया। किशोर का कहना है कि उसके छोटे भाई को की सेहत खराब थी, इसलिए वह उसकी जगह चित्रकला विषय की परीक्षा देने के लिए आ गया। उत्तर पुस्तिका को सील कर दिया गया है। केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य ब्रजगोपाल यादव ने बताया कि सूरज सिंह इंटर कॉलेज रुखालो के यूपी बोर्ड की कक्षा 10 के छात्रों का परीक्षा सेंटर हसनपुर के लाला सतप्रकाश लक्ष्मी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में है। सोमवार को चित्रकला की परीक्षा थी। सुबह 8 बजे से परीक्षा शुरू हो गई। सुबह करीब 8:55 बजे विद्यालय के सचल दल ने हेड विनोद कुमार, दीपक कुमार, अनुज कुमार और शिवांगी अग्रवाल की टीम परीक्षा केंद्रों की चेकिंग के लिए निकली। सचल दल ने इस परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान एक कमरे में सचल दल के सदस्यों ने देखा कि एक छात्र का प्रवेश पत्र पर लगा फोटो सीट पर बैठे छात्र के चेहरे से नहीं मिल रहा है। शक होने पर सचल दल ने किशोर से सख्ती से पूछताछ की। केंद्र व्यवस्थापक एवं प्रधानाचार्य अजय गोपाल यादव के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी करते हुए पकड़े किशोर ने स्वीकार किया कि वह अपने छोटे भाई की जगह परीक्षा देने आ गया। छोटे भाई की तबियत खराब थी। आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। उसकी उत्तर पुस्तिका को सील कर दिया गया, जिसे यूपी बोर्ड को भेजा गया है। तो दोस्तों, यह रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।